OECC पिछले 13 सालों से बहुत से बच्चों के सपने जो है पूरा कर चुका है, चाहे वो UK, जर्मनी, कनाडा, किसी भी कंट्री में आपको जाना है। चाहे मैं कहूँ वो पेरेंट्स के सपने होते हैं, बच्चों के सपने होते हैं बाहर जाकर पढ़ाई करना और अपने एक ब्राइट फ्यूचर की ओर पहला कदम बढ़ाना। तो आज एक बार फिर से OECC हार्पर एडम्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर पहुँची है। उनके देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर सीनियर लेक्चरर्स यहाँ पर पहुँचते हैं और जो मतलब एक मौका जो है डेफिनेटली करनाल के स्टूडेंट्स को, आसपास के स्टूडेंट्स को यहाँ पर मिलने वाला है कि कोर्स किस तरीके के रहते हैं वहाँ पर, आप लोगों को क्या कुछ बेनिफिट्स मिलने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को। तो आइए यहाँ पर सीनियर लेक्चरर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो उन लोगों से बातचीत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर डिमित्रियोस हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रिंसिपल भी हैं और इकोनॉमिक्स में, एंड ये हैं हमारे साथ सैम जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं। बातचीत करते हैं सर से। हेलो सर। हेलो सर, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर यूनिवर्सिटी? Harper Adams University is the leading university in agriculture in the UK. So we are providing applied teaching. We have many professors from the industry, but also several researchers. So we offer to the students the applied teaching to solve the problems of the future. So we try to address all the global challenges: food security, environmental sustainability, poverty, and we try to educate our students to be the leaders of the future in the agribusiness sector. So what type of scholarships you are providing to Indian students? So we have some, not in Indian students only, we have in general for international students, some discounts for the programs, and we have also some discounts for the accommodation. सर लेट मी टेल यू, जब बात करते हैं सैम से जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं, सैम से बातचीत करते हैं। हेलो सर। हेलो सर, व्हाट वुड यू टेल अस अबाउट द प्रोसेसिंग इट विल टेक बाय योर यूनिवर्सिटी इफ स्टूडेंट विल कम टू योर यूनिवर्सिटी? वेल, वी आर हियर नाउ एंड वी आर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, सो यू कैन एक्चुअली मीट अस द लेक्चरर्स, सी व्हाट वी आर लाइक, वी कैन फिल इन द फॉर्म्स, वी कैन चेक योर क्वालिफिकेशंस एज़ वेल, एंड वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस वेरी स्ट्रीमलाइंड राइट हियर राइट नाउ टुडे। सो व्हाट टाइप ऑफ कोर्सेज यू आर प्रोवाइडिंग? Well, we provide very applied courses in engineering. So we have agricultural engineering, we have off-road vehicle design, and we have mechanical engineering. And what we pride ourselves in at Harper Adams is a very practical way, but also a very academic route as well. So many of our world's firsts are, for example, the hands-free hectare project, where we had the world's first robotic farming system, completely robotically farmed fields. We have drones. Technology, we have robots that pick strawberries and robots that weed the fields as well. So if you want the latest application in deep learning and robotics applied in agriculture, ours is the number one university in the UK for that. हार्पर एडम्स यूनिवर्सिटी, और आप लोगों को पता है अगर मैं इंडियन स्टूडेंट्स की बात करूं एग्रीकल्चर में किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आगे अगर बढ़ना चाहते हैं रोबोटिक्स की बात करूं, AI आप लोगों को पता है आज सिर्फ हमारा वो प्रेजेंट नहीं है, आने वाला हमारा फ्यूचर भी है। तो वहाँ पर हार्पर एडम्स यूनिवर्सिटी जो कि UK की यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सीनियर लेक्चरर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, किस तरीके से अपने कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं, आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी, आपको अच्छे खासे डिस्काउंट्स वहाँ पर मिलने वाले हैं, और कोर्सेज जिस तरीके से बताया मैं, अगर मैं वही बोल रही हूँ कि AI के आने वाला फ्यूचर हमारा होने वाले, डीप लर्निंग जो है बेसिकली वहां पर आप लोगों को मिलेगी। तो OECC किस तरीके से इवेंट्स लेकर आता रहता है, तो आज एक बार फिर से हार्पर एडम्स यूनिवर्सिटी से सीनियर लेक्चरर्स पहुंचे हैं। तो सर हमारे साथ मौजूद हैं OECC से बिरी चावला जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आज इस तरीके से यूनिवर्सिटी के लेक्चर सीनियर लेक्चरर्स का यहाँ पर पहुंचना, और मुझे लगता है बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, करनाल के स्टूडेंट्स को, आसपास के स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैम, UK एक बहुत प्राइम डेस्टिनेशन बन चुका है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर, लेकिन बच्चों को नॉर्मल हर यूनिवर्सिटी में नॉर्मल कोर्सेज मिलते हैं, लेकिन जब हार्पर एडम्स की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड इंजीनियरिंग, जो कि अगर आप ओवरऑल रेटिंग देखेंगे, टीचिंग क्वालिटी फ्रेमवर्क देखेंगे, तो इट्स अ 5-स्टार यूनिवर्सिटी। लोकेशन बहुत अच्छी है, बिरमिंघम से सिर्फ 40 मिनट्स दूर है, ठीक है। UG प्रोग्राम्स भी हैं, PG भी हैं जैन इनटेक के लिए, जबकि आज बात करें तो जैन इनटेक में बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ऑप्शंस दे रही हैं। रिक्वायरमेंट्स की तरफ से बात करें तो दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एज वेल, क्योंकि कोर्सेज हैं, अगर आप प्लस टू आर्ट्स की है, नॉन मेडिकल की है, मेडिकल की है, कॉमर्स की है, हर तरह की UG प्रोग्राम्स अवेलेबल है जैन इनटेक के लिए। PG में बहुत यूनिक प्रोग्राम्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम्स है, इंटरनेशनल एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स है, जो कि थोड़े यूनिक कोर्सेज में, और वो कोर्सेज हैं जिनकी UK में डिमांड है, यानी पढ़ाई के बाद आपके लिए आपका फ्यूचर सिक्योर है, जॉब सिक्योर है। श्रॉपशायर में यूनिवर्सिटी है जो बिरमिंघम से 40 मिनट्स दूर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है, रिक्वायरमेंट्स बहुत ईजी हैं। खास करके इन बच्चों से ये बताना चाहूँगा कि अगर आप प्लस टू पास आउट है,
ठीक है, या आप ग्रेजुएट, अगर आपकी प्लस टू CBSE ICSE बोर्ड से है, 70% आपके मार्क्स इंग्लिश में, तो आप आयल्स वीवर के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 6 बैंड्स ओवरऑल 5.5 ईच के साथ आप UG एंड PG प्रोग्राम्स अप्लाई कर सकते हैं, और PT सिर्फ 55 स्कोर के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। एडवांटेज ये है कि अगले दो दिन हार्पर एडम्स यूनिवर्सिटी पंजाब हरियाणा में है। देखो, हम नॉर्मली कहीं भी अप्लाई करते हैं, किसी एजेंट के पास जाते हैं तो हम एक एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, एप्लीकेशन लॉन्च होने के 15-20 दिन महीने बाद ऑफ़र आता है, ऑफ़र के 10 दिन बाद इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, फीस देने के बाद कैश आएगा नहीं आएगा, किसी की कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि इस साल 800,000 बच्चा UK जा चुका है। सो यूनिवर्सिटीज़ आर ओवरक्राउडेड, ठीक है, उनको और यूनिवर्सिटीज़ आर सैचुरेटेड, बच्चों को भी जाके वहाँ पर दे आर नॉट गेटिंग द टाइम, दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिस्पॉन्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ वैन दे आर गोइंग टू दीज लार्ज यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर ये फ़ायदा है कि आप अगले दो दिन में अपनी डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, सीधा लेक्चरर से बात करें, ऑन स्पॉट अनकंडीशनल ऑफर लेटर पाएं, जो कि अपने आप में, पहले भी हमने एक बार ऐसा सेशन किया था, दोबारा कर रहे हैं। सो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, फॉर्म्स फिलअप करें, सिर्फ 2-3 मिनट आप लेक्चरर से बात करें, ठीक है, उसके बाद आप अपनी अनकंडीशनल ऑफर लेटर पा सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अपनी फ़ीस डिपॉजिट करें और हफ्ते 10 दिन के अंदर कैश ले लें। 200 से ज़्यादा सीट्स अवेलेबल है, 100% कैश आएगा अगर आप अपनी कंडीशंस मीट करते हो, अच्छी स्कॉलरशिप्स भी हैं, UG प्रोग्राम्स हैं, PG प्रोग्राम्स हैं, यानी कि बच्चे के लिए अगर हम बात करें चेकलिस्ट की कि कौन हर यूनिवर्सिटी में से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, दे मैच ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ गुड क्वालिटी यूनिवर्सिटी। सबसे बड़ी बात, UK भी हरियाणा पंजाब खेतीबाड़ी का परिवार हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे और आगे इस फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाएं, खेतीबाड़ी में आगे काम करें। बदल रहा है सर, एग्रीकल्चर में भी काफी चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो है '80s में मैम इंडियन एग्रीकल्चर वॉज रेवोल्यूशनाइज विद द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, तब हमने बहुत चेंजेस लाए जिससे एक भूखा देश, ठीक है, फिर से सेल्फ सफिशिएंट हुआ। आज हम एक एक्सपोर्टर हैं, वी टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट इंडिया इज़ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। आज की डेट में बड़े बड़े यहाँ पर जो खेत हैं उनमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि मिस डॉक्टर सैम ने बात की कि रोबोटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आज की डेट में, वो टेक्नोलॉजी जो विदेशों में है आज हिंदुस्तान में उसकी ज़रूरत है, और इसकी जो ज़रूरत है वो हमारे बच्चे ही पूरा कर सकते हैं जो विदेश जाके पढ़ लिख के वापस आके अपना यहाँ पर एग्रीकल्चर बिजनेस इम्प्रूव करें, इसको आगे बढ़ावा दें, एक्सपोर्टर बने, ठीक है, अच्छी तरीके से चीज़ें मैनेज करें। सो हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन खास करके एग्रीकल्चर और इंजीनियर, इनकी हमारे देश को बहुत ज़रूरत है, हमारे सूबों को बहुत ज़रूरत है, पंजाब हरियाणा के। सो बड़ी मिनिमल रिक्वायरमेंट्स हैं, कॉम्पिटिटिव फीस है, बहुत क्विक प्रोसेस है, यानी कि आज आप अपनी एप्लीकेशन लेके आते हैं तो सिर्फ 15 दिन के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आपकी कैश मिल जाएगी। सो जो अपने आप में कमाल है, और लाइक आई सेड कि अदर यूनिवर्सिटीज़, यू नो, दे आर सैचुरेटेड, दे, यू नो, दे हैव बिगर क्लास साइजेस, नॉट पेइंग अटेंशन टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, वेयर एज हार्पर एडम्स, यू नो, इट्स अ बुटीक यूनिवर्सिटी, राइट, नोन फॉर इट्स स्मॉल क्लास साइजेस, गुड क्वालिटी लैब्स, यू नो, एंड वेरी गुड सपोर्ट सिस्टम्स। सबसे बड़ा एक चैलेंज आ रहा है, स्टूडेंट्स आर गेटिंग चैलेंज बिकॉज वैन दे गो टू बिगर सिटी जॉब्स नहीं मिल रही, ठीक है। श्रॉपशायर इज़ वेरी इकोनॉमिकल टू लिव, वेरी इकोनॉमिकल, वन ऑफ द लो कॉस्ट सिटीज़, वेरी क्लोज टू बर्मिंघम, गुड अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम वर्क एज वेल फॉर स्टूडेंट्स। सर, कब तक मौका है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँच सकते हैं? देखिए, आज शाम को 4 बजे तक हम यहाँ हैं, ठीक है, उसके बाद कल लुधियाना में ऑन स्पॉट एडमिशन है, राइट, उसके बाद आप अगर अभी नहीं आ सकते तो आप OECC के किसी भी ऑफिस विजिट कर सकते हैं, हरियाणा में करनाल, कुरुक्षेत्र, लाडवा, आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए, विद इन 5 डेज आपको ऑफर लेटर आ रहा है। कई बच्चों की इंटरव्यू हो भी सकती है, क्योंकि नहीं, मेजॉरिटी नहीं हो रही, उसके बाद अपनी फ़ी डिपॉजिट कीजिए, डॉक्यूमेंट्स पूरे करिए, अपनी कैश लीजिए और वीज़ा हासिल करके UK की तरफ चलिए। जी हाँ, वीज़ा हासिल करके UK की ओर चलिए, क्योंकि आपने, जैसे सर ने भी बहुत सही बात बोली है कि जो पंजाब हरियाणा है हमारा, खेती में किस तरीके से हमें ज़रूरत भी है, और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाई गई है तो वो ज़रूरत भी है कि हमें उस चीज़ का पता चले और हमारे एग्रीकल्चर और ज़्यादा बढ़ावा मिले। और वो जो है हार्पर एडम्स यूनिवर्सिटी अच्छे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर में, और साथ साथ इकोनॉमिक्स में और इंजीनियरिंग में यहाँ पर सीनियर लेक्चरर्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आप लोग भी अगर सोच रहे हैं आपको भी हार्पर एडम्स जैसे यूनिवर्सिटी में आप लोगों को एडमिशन चाहिए, तो
आप पहुंच सकते हैं। आज करनाल में है फिलहाल, कल पंजाब में, तो दो दिन मतलब हरियाणा पंजाब में रहने वाले। तो OECC के किसी भी आप जो ऑफिस है वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को सभी डिटेल्स मिल जाएगी। और जो आपका भी सपना है बाहर जाने का और अच्छी हार्पर एडम्स जैसी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ने का, तो आप लोगों को अच्छा मौका मिल रहा है, डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं, आपको कोर्सेज अच्छे मिल रहे हैं और मतलब स्कॉलरशिप्स तो देखो मिलती हैं जैसे सर ने बताया। सो यू कैन कॉन्टैक्ट विद द OECC। और विश्वास है पिछले 13 सालों का 20,000 से ज़्यादा वीज़ाज जो हैं लग चुके हैं, तो मौका बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिए, एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए OECC।